नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरवत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब यूट्यूबर 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर लेता है तो उसको यूट्यूब की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, उसे कहते हैं सिल्वर प्ले बटन। वो हमारा आ चुका है और आज उसको ओपन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। अब तक मैंने उसे अच्छी तरह से देखा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मेरी खुशी आई है आप लोगों की वजह से, वो आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेट की जाए। इसी वजह से अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे ये रखा हुआ है और इसको आपको खोलकर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ हमने प्राप्त की है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और उसके लिए आपको बताएंगे हमारे बड़े भाई सुदेश कुमार जी, जिनको आप भलीभांति जानते होंगे। मेरा ये चैनल एक तरह से उन्हीं की देन है। अगर आप चैनल पर पहला वीडियो देखोगे तो उनमें हमारे बड़े भाई सुदेश कुमार जी आपको दिखेंगे, और उन्होंने ही यूट्यूब की स्टार्टिंग मेरी करवाई थी। तो इनसे पूछते हैं थोड़ा सा, इनके बारे में आपको भी पता चल जाएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर सब्सक्राइबर इनको जानते होंगे, ये काफ़ी पहले से इस काम को कर रहे हैं। तो सुदेश सर, बताइए हमारे सब्सक्राइबरों को आपके बारे में, और किस वजह से आपने ये चैनल मुझसे स्टार्ट करवाया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल जी, तो भाई बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और जो जीतू के चैनल ब्रेन डिमांड को सपोर्ट किया तहे दिल से, आज जीतू भाई एक इनको एक बटन मिला है जिसको आप सिल्वर बटन कहते हैं, और इनके इस बटन के हकदार एक तरह से आप ही हैं, क्योंकि आपकी कहते हैं आपकी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से यह बटन आज जीतू भाई के पास पहुंचा है। हम मेहनत कर सकते हैं, हम मेहनत के अलावा जो फल है वो परमात्मा देगा, और सपोर्ट आप लोग करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर YouTube चैनल हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 2018 में। 2018 में मैंने एक स्टडी चैनल बनाया था जिसका नाम था नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। उसके बाद और भी कई आईडीज़ बनाई थी मैंने, मृत्युवाणी वगैरह, बहुत सारी चीज़ों पर मेहनत की थी, बहुत तरह तरह के कंटेंट लेकर आए थे, लेकिन वो चले नहीं। वो क्या कहते हैं कि मतलब मैच नहीं हुए एक तरह से। अब 2020 में तिरछीवाद चैनल चलाया था मैंने, मेरा जो चैनल है वो तिरछीवाद के नाम से है, और उस पर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। 2 साल तक कुछ नहीं चला, बिल्कुल जीरो बैलेंस रहा था वहाँ पे। 2 साल के बाद वह थोड़ा सा ग्रो होने लगा, और फिर एकदम से इतना चला कि एक सिल्वर प्ले बटन मेरे पास भी आया था। उस सिल्वर प्ले बटन को भी आपको खोलकर दिखाएंगे, वो भी यहाँ पर है, और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उस दिन में और आज के दिन में कितना फर्क हो गया है सिल्वर प्ले बटन में। वो ये रहा आपके सामने, इसको भी आपको दिखा देते हैं, वरना आप बोलोगे ऐसे ही बोल रहे हो। तो इसका भी वेट करना, इसको भी दिखाएंगे, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे मेहनत की तो आप लोगों का साथ बना रहा, और फिर हमारा ये चैनल वगैरह ये चलते रहे। और आप लोगों का जब साथ बना रहता है दोस्तों, तभी मेहनत करने का भी मन करता है। अब जीतू भाई इन्होंने भी 2 साल पहले चैनल स्टार्ट किया था, तो इनका जो कंटेंट था वो एक्सपेरिमेंट करने का था, यानी कि जो साइंस की चीज़ें होती हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करना, थोड़े बहुत चीज़ें ये करते थे। लेकिन 2 साल तक मेहनत करने के बाद वो ये यूट्यूब के अंदर ना एक प्रॉपर वे मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। हम चाहते हैं कि हम इस कंटेंट पे वीडियो बनाएं या उस कंटेंट पे वीडियो लेकर आएं, ये ऐसा नहीं होता है, हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। जो कंटेंट हमारे ऊपर सूट होगा और जिस कंटेंट को हमारे ऊपर देख करके जनता खुश होगी, वही कंटेंट चलता है YouTube के अंदर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं तो ये कंटेंट लेकर आऊँगा, मैं तो कहानियाँ बताऊँगा, या फिर मैं तो एक्सपेरिमेंट करूँगा, अपनी यहाँ पर नहीं चलती है। क्योंकि मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर लेकर आया था, तरह तरह के, आप देखोगे तो आप भी हंसोगे, लेकिन चला लास्ट में क्राइम न्यूज़ का जो चैनल है, न्यूज़ वाला जो चैनल है वो भाई का अच्छे से ग्रो हुआ, अच्छे से चला। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं YouTube को छोड़ रहा था। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इनके पास यहीं पर आकर, जहाँ पर मैं फिलहाल बैठा हुआ हूँ, यहीं पर आकर इनसे बोल दिया था कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं तो अपना दूध का काम करूँगा, मेरे पास डेयरी है तो उसी से अपना ज़िंदगी का गुजारा कर लूँगा। लेकिन बड़े भाई ने मुझसे कुछ कहा था, तो उस बात को एक बार आप लोगों के सामने कहलवाना चाहता हूँ। मैंने यही कहा दोस्तों, जैसे कि अब हॉपलेस हो रहा था जीतू उस टाइम, भाई चैनल चल नहीं रहा, अब मैं तो इसको छोड़ूंगा। मैंने कि तू इसको छोड़ मत, ये मोनेटाइज चैनल है, तो ऐसा कर इस पर वीडियो डालते हैं, और 6 महीने के लिए तू ये समझ मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो हमने उस पर वीडियो डालने चालू करे, और वहाँ पर रिस्पॉन्स आना चालू हुआ। वो स्टोरीज के वीडियोज़ जो जीतू भाई लेकर आता है, मेरे वीडियोस थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। वो अगर आपको देखने हैं बड़े भाई के वीडियो, तो आपको तिरछीवाद चैनल याद रखना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे इस चैनल में पहले वीडियो भी देख सकते हो, या फिर नहीं मिलता तो आप कमेंट कर देना,
मैं स्पेशल अगली किसी वीडियो में उसका लिंक लगा दूंगा। नहीं, नहीं, आप तिरछी बात लिखोगे तुरंत आ जाएगा चैनल वहां पर। आप जैसे अगर उस पर तिरछी बात लिखोगे तो तुरंत के तुरंत वो चैनल आपको मिल जाएगा और वहां पर आप बड़े भाई के वीडियो भी देख सकते हो। और वहां पर आप वीडियोस के ऊपर थंबनेल देखोगे थोड़ा सा हो सकता है आपको क्या, क्या वीडियो देखो वीडियो के अंदर बहुत सभ्यता से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वो थंबनेल के ऊपर क्लिक बैट लगाई जाती है जिससे कि लोग देखें, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं उनसे वो चल जाता है थोड़ा सा जी। और हमारे जीतू भाई हैं बिल्कुल एकदम से प्योर कहानी लेकर आते हैं सीधी सादी, और इनका भी काफ़ी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोग इनको देखते ही हो। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि चलो चैनल तो हमारे चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, हम कंटेंट दे रहे हैं, और हमारे YouTube के जो प्ले बटन होते हैं, एक मेरा आया था सिल्वर प्ले बटन एक साल पहले, एक अब जीतू भाई के पास आया है, और हमारे गांव में यह पहले ही बटन है, यानी कि हम दोनों भाइयों के पहली बार बटन यहां पर आए हैं। तो अब यहां पर इन बटनों को आपके सामने एक तरह से कहते हैं इनको निकालेंगे, निकाल कर दिखाएंगे। और जीतू भाई निकालो, तो ये लो आपको पहले दिखा देते हैं, पहले अपना नहीं, पहले आपका खोलता हूँ बड़े भाई। हाँ ये तो ये मेरे बड़े भाई का है जो तिरछी बात चैनल का था। तो इसको खोलते हैं और आपको देखने को मिलेगा हमारा जो पहला बटन हमारे पूरे गांव के अंदर आया था, ये रहा। तो ये है हमारे बड़े भाई का प्ले बटन जो कि एक साल पहले आया था इनकी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट के जरिए। अब उसके बाद आरी आती है हमारे दूसरे प्ले बटन की, इसको यहाँ पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये है मेरा वाला, आप डिब्बे को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा होगा इसके अंदर, फिर भी आपको खोलकर दिखा देते हैं एक बार। तो छोटा छोटा ही तो है जीतू, मुझसे छोटा भाई है तो छोटे भाई तो बड़े भाई का बड़ा प्ले बटन है, छोटे भाई का छोटा प्ले बटन, जो भाई ने कहा बिल्कुल सही है। यूट्यूब वालों ने देख करके दिया है, यूट्यूब वालों ने देखा है कि हाँ भाई बड़ा वाला है तो इसके लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और ये मेरा है छोटा सा। ये है आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार, और उसी की वजह से ये चीज़ मुझे मिली है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो इसको मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाता। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, यह कहने को तो प्ले बटन है लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी लगती है वो तो वही जानता है जो यूट्यूब पर काम करता है। ज़्यादातर लोग ये कहते होंगे भाई 10 मिनट का वीडियो बना कर लाते हैं, इनको काम ही क्या है, आराम से बैठे रहते होंगे, लेकिन 10 मिनट के वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है वो यूट्यूबर ही जानता है। अगर कोई क्रिएटर है तो वो इस बात को महसूस कर सकता है कि 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए क्रिएटर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप यकीन नहीं मानोगे, नौकरी में भी इतनी मेहनत नहीं होती ना पढ़ाई लिखाई में भी नहीं होती जितनी मेहनत YouTube चैनल चलाने में होती है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि इनको जब वीडियोज़ को बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कई बार तो सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कंटेंट के बिना चैनल नहीं चलता। अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि इस कहानी में जो कलेक्टर है उसका नाम बताओ, वो लड़की कहाँ रहती है, कौन से गांव की है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को गोपनीय रखा जाता है, अगर उन चीज़ों को पब्लिकली कर दिया जाएगा तो इस कहानी की वजह से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो। हाँ मतलब सीधी सी बात है, प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि प्राइवेसी लीक करने के बाद उसके जीवन में भी कुछ भी उथल पुथल भी हो सकता है और बदनामी भी हो सकती है। कई बार ऐसे किस्से होते हैं जिन बातों को हमको छुपा कर रखना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मेहनत से और बड़े हिसाब से और बड़े सिस्टम से बनाई जाती हैं, कई बार जगह के नाम भी बदलने पड़ जाते हैं, कई बार लोगों के नाम भी बदलने पड़ जाते हैं जब केस कोई सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव क्या, नॉर्मल में भी अगर आप ये लगा लो कि हम नॉर्मल केस में या कोई भी कहानी है उसके रियल किरदार के नाम बता दें, रियल जगह के नाम बता दें, तो उसमें क्या होता है कि किसी ना किसी किरदार को कोई ना कोई बात बुरी लग सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद वो लोग हमारी इस वीडियो पर उंगली उठा सकते हैं और इस वीडियो की वजह से उनको थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हाँ एक बात तो है कि जैसे कि मान के चलो कोई केस फुल एंड फाइनल हो चुका है जी, अपराधी जेल में जा चुका है और सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, सारे रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड हैं पुलिस के पास भी और न्यूज़पेपर वगैरह में सारी चीज़ क्लियर है, तो वहाँ पर फिर नाम बदलने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। लेकिन जो केस अधूरा है और उसके बारे में हम कोई हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यह खिलाफ भी है एक तरह से। अक्सर एक कमेंट और बार बार आया करता है जिसमें कहा जाता है कि थैंक यू आपकी टीम को और आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो हमारी जो टीम है यूट्यूब को चलाने वाली, यानी कि जो मेरे चैनल पर काम करती है, वो केवल यही हम दोनों की टीम है,
ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मुझे गाइड करते हैं और सारा काम मैं करता हूं, जिससे आपको एक अच्छा सा वीडियो देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम यहां पर आए थे, आज हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसा भी हो जिसमें कहानी ना हो और हम बताएं कि किस तरह से यहां पर YouTube का बटन आता है, उसको दिखाया थोड़ा सा। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा बहुत मेहनत लगती है, आगे भी करते रहेंगे। अब इससे आगे आएगा गोल्ड का बटन, आगे गोल्ड का बटन आएगा और उस टाइम पर भी ऐसा ही वीडियो आ सकता है। और अगर आपको ऐसे प्रोग्राम चाहिए कि जिसमें हम आपसे बातें कर सके, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो हर संडे आपके लिए ऐसा वीडियो आता रहेगा। बाकी ये है प्ले बटन, इसमें आप लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा है, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा। और ये मेहनत आपकी है, क्योंकि आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देते तो मैं इसको कभी भी अचीव नहीं कर पाता। बाकी वीडियो आपको जैसे भी लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।